चलिए आज की क्लास में हम रेफरेंस टैब के बारे में जानेंगे। तो रेफरेंस टैब जो है हमारा थीसिस राइटिंग वाला जो वर्क होता है उसमें यूज़ किया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे पेजेस हमने बना रखे हैं और टेबल ऑफ कंटेंट वाला जो पार्ट होता है वो आपको इंडेक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आप यहाँ पर इंडेक्सिंग जो पेज नंबर वगैरह होती है या लेवल वाइज चैप्टर्स को आप मेंटेन कर सकते हैं, इस तरीके का इंडेक्सिंग किया जाता है। क्लियर है? इसमें इस टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ कंटेंट ऐड करना है या चेंज करना है उसके लिए यूज़ किया जाता है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अदर दूसरा ऑप्शन देखते हैं फुट नोट के बारे में। फुट नोट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कभी कभी पूछ देता है, ये शॉर्ट नोट में पूछता है। तो दो प्रकार के नोट होते हैं, एंड नोट और फुट नोट। इन दोनों में क्या अंतर होता है और कब यूज़ करते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। तो रिफरेंसिंग टैब में आप देखेंगे कि फुट नोट्स आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे। फुट नोट्स वाले ऑप्शन हमेशा टेक्निकल लैंग्वेज के लिए यूज़ किए जाते हैं और कभी कभी आपसे इंटरव्यू में या फिर कभी कभी आपसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन फुट नोट्स और एंड नोट्स, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों की क्या मीनिंग होती है ये हम देखते हैं। तो फुट नोट और एंड नोट के बारे में हम समझते हैं क्या होते हैं ये। सबसे पहले देखते हैं कि कुछ ऐसी लैंग्वेज, कुछ ऐसे टेक्निकल फील्ड्स हैं जिसमें लिखी गई थीसिस या कुछ थ्योरी लगभग सभी को समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल ऐसे वर्ड होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। जैसे मैं MBBS की बात करता हूँ, कोई नई चीज़ डेवलप हो रही है, कोई नई वैक्सीन डेवलप हो रही है, कोई नई जैसे मान लीजिए कोविड ही है, कोविड आया उसके पहले 2019 के पहले या 20 के पहले कोविड नाम का वर्ड ही नहीं था। ये नया वर्ड बना और इस वर्ड को बनाया गया, कोरोना वायरस जब आया तब ये बनाया गया था ये वर्ड। तो एक्चुअली कोविड नाम का जो वर्ड है वो उससे हम अभी सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कोविड से वाकिफ हैं कि क्या चीज़ है। लेकिन आज से 20 साल के बाद जब कोविड ख़त्म हो जाएगा और सारी कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगी, तब कोविड नाम बोलने पर कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी कोविड को नहीं समझेगा, क्योंकि कोविड एक टेक्निकल वर्ड है, उसका वो जनरल भाषा में यूज होने वाला वर्ड नहीं है। तो कोविड की मीनिंग जो है वही समझेगा जो इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। बाकी लोग जो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हैं वो कोविड की मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, भले ही ये इंग्लिश में लिखा है लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला पर्सन भी इसको नहीं समझ पाएगा। जैसे हिंदी के कई सारे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी मीडियम वाले लोग ही नहीं समझ पाते। ठीक है, तो जैसे ये टेक्निकल वर्ड हो गया, ये स्पेशल बनाया गया वर्ड है। तो इसकी मीनिंग जब थीसिस लिखी जाती है तो इसकी एक मीनिंग होती है। जैसे कोविड यहाँ लिखा हुआ है, भले ही कोई डॉक्टरेट डिग्री वाला है, MBBS वाला है, लेकिन वो कोविड जाने ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसकी मीनिंग फुट नोट या एंड नोट में दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ फुट नोट और एंड नोट, दोनों में अंतर क्या है ये भी मेरे को आपको समझाना है। इसके लिए मैं यहाँ से पैराग्राफ मुझे डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से एक पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ और पहले पेज ब्रेक लगा देते हैं हम लोग। तो देखिए ये पेज आपका खत्म हो रहा है और मुझे इस COVID-19 के बारे में लिखना है। COVID-19 जैसे आज की डेट में हम लोग कई सारी बीमारियां जो पहले थी उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। आजकल के डेट में हमको कोई ऐसी बीमारी का नाम बताए जैसे सार्स वगैरह है, वो तो हम जानेंगे। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन उस जमाने में सब लोग जानते थे। तो इसकी जो थीसिस होगी 20 साल के बाद जब पढ़ी जाएगी तो COVID-19 क्या है इसके बारे में डिटेल हम रेफरेंस में फुट नोट पर दे सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फुट नोट लगाऊंगा, इसका शॉर्टकट आप देखिए Alt Ctrl F है। तो फुट नोट जब आप लगाएंगे ना तो यहाँ पर नीचे में 1 लिखा हुआ आ रहा है और ठीक है, यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर COVID-19 लिखा हुआ है और दिस इज COVID-19 जो है किसी वायरस का नाम है। ठीक है, तो इसके ऊपर में यहाँ पर छोटा सा आपको 1 लिखा हुआ दिख रहा है और जैसे ही आप इस 1 पर जाएंगे ना तो आपको ठीक है, यहाँ पर मैंने
यहाँ पर मैंने फुट नोट दिया है, वन का वन में ये मीनिंग है, दिस इज ए वायरस, कोविड 19 जो है एक वायरस है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने एक सैंपल दिखाया। और जब भी आप कंप्यूटर में इसे ओपन करेंगे तो आपको अगर ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है कोविड 19 और इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, 20 साल के बाद आए हो, मतलब 20-25 साल के बाद आप इस थीसिस को पढ़ रहे हो और उस समय कोविड 19 था और आज कोविड 19 कोई जानता ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, वैक्सीन आ गई है, कोई नहीं जानता उसके बारे में, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग कोविड 19 की कुछ थीसिस पढ़ रहे हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर वन लिखा हुआ है, तो अगर मैं कंप्यूटर में ओपन कर रहा हूँ तो वन के ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पर लिखे रहेगा दिस इज ए वायरस। तो अगर मैं मेडिकल टर्म वाला हूँ तो मैं समझ जाऊंगा कोविड 19 नाम का कोई वायरस था और उसका नाम है कोविड 19, न कि कोई वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है बल्कि नाम है। और अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो इसके आगे वन लिखा हुआ है और वन का मीनिंग मैं यहाँ नीचे देख सकता हूँ, दिस इज ए वायरस। वैसे ही अगर मैं कोई दूसरा वर्ड ले लेता हूँ और इसका मीनिंग मैं कुछ रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फिर फुट नोट लगाऊंगा तो यहाँ पर टू आ जाएगा, दिस इज जो भी है फुट, ठीक है। तो सेकंड वाले का मैंने दिस इज फुट नोट लिखा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस वर्ड के ऊपर टू लिखा हुआ है और टू पर जब जाएंगे तो दिस इज फुट नोट आएगा और नीचे में यहाँ पर आ जाएगा, ये होता है फुट नोट। और एक होता है एंड नोट, फुट नोट हमेशा यहाँ नीचे पर आता है, पेज के नीचे पर, और एंड नोट अगर आप लगाते हैं, देखिए मैं इसके ऊपर एंड नोट लगाता हूँ, तो एंड नोट लगाने पर क्या होगा, जब आप यहाँ पर एंड नोट लगाने पर क्या होगा कि जो आपका सबसे लास्ट पेज होता है, देखिए पेज नंबर 83 उसके एंड में आता है, एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में आता है और फुट नोट पेज के एंड में आता है। अंतर यही होता है कि अगर मैं इसको एंड नोट लगाता हूं तो दिस इज एंड नोट यहां पर आ रहा है, जरूर है, यहां पर तो डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन अगर ये बुक प्रिंट होगी, ये बुक अगर प्रिंट हो जाए तो एंड नोट्स जो है बुक के लास्ट पेज में होते हैं, क्लियर है, जबकि फुट नोट उसी पेज के नीचे में होते हैं, क्लियर है। तो ये फुट नोट और एंड नोट में अंतर है कि ये कोविड 19 का फुट नोट यहाँ पर दिख रहा है जबकि एंड नोट सबसे लास्ट पेज में जाएगा, यानी पूरे बुक का जितना भी एंड नोट होगा वो यहाँ पर आते जाएगा लास्ट में, क्लियर है। तो आप कभी डिक्शनरी खोलना, अपने घर में डिक्शनरी होगी या फिर कोई टेक्निकल वाली बुक होगी, टेक्नोलॉजी वाली जिसमें मैकेनिकल होगा या कुछ भी ऐसे, मैकेनिकल में भी वर्ड्स होते हैं, या किसी कोई भी ऐसा थीसिस ओपन करना तो उसमें आपको फुट नोट और एंड नोट लिखा हुआ जरूर दिख जाएगा, खास करके डिक्शनरी में दिखता है ये आपको। डिक्शनरी में जैसे कुछ ऐसा वर्ड आप ढूंढना तो नीचे में यहाँ पर उसका स्पेशल मीनिंग लिखा रहता है, डिक्शनरी में आप देख सकते हो, क्लियर। तो ये जो हमने देखा फुट नोट और इंसर्ट, सॉरी फुट नोट और एंड नोट, दोनों का मीनिंग होता है किसी स्पेशल वर्ड की मीनिंग वहां पर नीचे में बताने के लिए, क्लियर है। तो इसका यूज करते हैं फुट नोट का। फुट नोट और एंड नोट में अंतर यह कि फुट नोट जो है उसी पेज के नीचे में आता है जबकि एंड नोट एकदम लास्ट में आता है। एंड नोट का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि मान लीजिए ये वर्ड बार बार आ रहा है, इस पेज में करीब 1000 बार आया है, तो हजारों पेज के नीचे यहाँ पर उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं बल्कि लास्ट में एक बार मीनिंग लिख देते हैं, क्लियर है। तो उससे स्पेस भी बचता है, मेहनत भी बचती है, काफी सारी चीजें बच जाती है। लेकिन कोई वर्ड अगर एक बार आ रहा है तो उसकी मीनिंग जो है उसी पेज के नीचे लिख देते हैं, ये अंतर होता है दोनों दोनों का। मतलब होता है इसकी मीनिंग बताना, ऐसे स्पेशल वर्ड जिसकी कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होती है, बनाया गया होता है या नया वर्ड होता है उसकी मीनिंग बताने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद आप क्रॉस रेफरेंस वगैरह जो करेंगे वो सब टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस करने से आपका जो क्लिक करने पर वो सारी चीजें उसमें जंप करती है। इसके बाद आपने बिब्लियोग्राफी के बारे में सुना होगा कि बिब्लियोग्राफी हम कोई थीसिस में लिखते हैं तो लास्ट में आप बिब्लियोग्राफी बना करके उसकी रेफरेंस वहां पर दे सकते हैं, ऑटोमेटिक बिब्लियोग्राफी क्रिएट होती है, जो आप हेडिंग देंगे उसकी बिब्लियोग्राफी पीछे क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी चीजों की प्रैक्टिकल आप तभी कर पाएंगे जब आप एक प्रॉपर थीसिस बनाएंगे, हर चीज लिंक वाइज बनाते जाएंगे तभी आप इसकी प्रैक्टिस करके समझ पाएंगे।
और इसका यूज भी आपको तभी पड़ेगा जब आप थीसिस राइटिंग कर रहे हैं। थीसिस राइटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, उसको पेन कॉपी में लिखना या पेज पर लिखना बहुत ही आसान होता है, जबकि कंप्यूटर में थीसिस बना करके उसको प्रिंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि थीसिस बिल्कुल पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है, कंप्यूटर से ही चेक होता है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट भी बड़ा कर देते हैं तो थीसिस रिजेक्ट हो जाती है। उनकी फॉन्ट की स्टाइल, उनकी सब चीज़ें जो हैं एकदम टेम्पलेट वाइज प्री डिफाइंड रहती हैं, वैसा लिखना होता है और उस फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना होता है। तो वो ये सारी चीज़ें जो दिखी हुई है ये सब थीसिस राइटिंग के अंदर ही आती है। और इस तरीके से थीसिस के टेम्पलेट बनाना बहुत मुश्किल होता है। बाहर मार्केट में आप जाएंगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं लोग थीसिस राइटिंग की प्रिंटिंग के साथ का। तो ये थोड़ा टफ काम है, सबसे इसमें का जो सबसे टफ काम है वो यही है थीसिस राइटिंग वाला। तो आजकल इस काम को और आसान कर दिया गया है, कई सारे टेम्पलेट्स आते हैं, टेम्पलेट आप डाउनलोड करिए और या फिर कहीं से परचेस करिए और उसके बाद उसको आप एडिट कर सकते हैं थीसिस बनाने के लिए। क्लियर है? इसमें आपके काम का जो दो चीज़ें थी वो थी फुट नोट और एंड नोट। तो इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।